नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आज जिस तरह समाजवादियों को रोका गया है नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने से, यह बहराइच प्रशासन की तानाशाही इस प्रकार है कि बहराइच ओझा आरा मशीन पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक के ओझा ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, भयानाप शनाप बक रहे हैं। अगर यह बयानबाजी दोबारा की तो नेपाल तक केपी ओली का पुतला फूंका जाएगा। सभा प्रभारी हर्षित त्रिपाठी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में फिर भी नेपाल का प्रधानमंत्री ओली गलत टिप्पणी भगवान राम पे कर रहा है। चीन के दबाव में आकर ओली यह बयान दे रहा है। नंदेश्वर यादव ने कहा कि चीन बराबर नेपाल से कह रहा है कि भारत के खिलाफ बोलो और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की गलत टिप्पणी पर समाजवादी चुप नहीं रहेंगे। इस मौके पर नीरज शुक्ला, विशाल ओझा, अतीक भाई, धानीराम यादव और तमाम बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। चाहते थे लेकिन प्रशासन के दबाव में हमें पुतला नहीं फूंकने दिया गया। हम ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महामहिम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी कड़ी निंदा की जाए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत के अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ और जो उनका विवाह नेपाल में जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ, दोनों की शादियां हुई हमारे प्रभु की और माता की, इस लिहाज से हम लोग लड़के पक्ष वाले हैं। प्रधानमंत्री ओली को जो नेपाल के हैं उनको डर है कि कहीं दहेज में, तो हम लोग लड़के वाले जो भारत के रहने वाले हैं कहीं उनसे नेपाल न मांग ले, इसलिए डरते हैं। वो चाइना के दबाव में वो ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। विधायक जी, भारत और नेपाल का रोटी बेटी में संबंध रहा है और आज ओली ने टिप्पणी की है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो इतने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं भारत और नेपाल के, हमेशा बेटियां और बेटों की शादी आपस में होती रही है, लेकिन नेपाल के ओली चीन के दबाव में ये सब खत्म करना चाहते हैं। वो चाइना के दबाव में चल रहे हैं और चाइना चाहता है कि इनके जो महत्वपूर्ण अच्छे संबंध है उसको खत्म किया जाए, जिससे चाइना हम लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आपत्तिजनक व्यवस्था कर सके। वो हमेशा आए दिन हमारे देश को आंखें दिखाता घूमता है। ज्यादा दिक्कत करेगा चाइना तो हम लोग चाइना को घेर लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए हैं इस समय, उनको चाहिए कि चाइना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बहराइच मंडल ब्यूरो, अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट।